लो निखिल बेटा, चाय पियो। कब तक पढ़ते रहोगे? कितना पढ़ते हो? चाय पियो, गर्मा गर्म चाय। और तुम्हारी स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है निखिल? अच्छी चल रही है माँ। अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में? हाँ। अच्छा, और तुम्हारे टीचर्स दोस्त सब कैसे हैं? अच्छे हैं। बहुत इंजॉय करते हो स्कूल में, है ना? बहुत मजा आ रहा है ना स्कूल में, स्कूल जाके? हाँ हाँ मम्मी। अरे बेटा राधिका, तुम ना झाड़ू लगाने के बाद बर्तन साफ कर देना, जाके बहुत सारे बर्तन डले हुए हैं। अरे बेटा राधिका, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हाँ मम्मी, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना निकलना चाहती हूँ। मम्मी मुझे भी स्कूल भेजा करो ना। अरे बेटा राधिका, तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी स्कूल जाके? घर के काम किया करो। निखिल है ना स्कूल जाने के लिए, निखिल पढ़ तो रहा है, बस वो ही काफी है। तुम क्या करोगी पढ़ के? हाँ तुम क्या करोगी स्कूल जाके? तुम तो ना बस अच्छे से रोटियां बेला करो और सब्जी बनाया करो, ताकि तुम ना ससुराल में हमारा नाम रोशन करो। हाँ कभी तुम्हारी सास का फोन ना आए हमें, हाँ, वरना पड़ोस में देखो कितने सारे मतलब जो बहुएं हैं, वो उनकी सास जो है वो फोन करती रहती है उनकी माँ को। हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की कभी कोई शिकायत आए, इसलिए तुम ना सिर्फ अच्छे से खाना बनाना सीखो, ठीक है? जाओ अब। और बेटा निखिल, तुम कब तक पढ़ते रहोगे? लाओ ये कप मैं रख दूंगी, और अब तुम्हारा हो गया खेलने का टाइम, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने, ठीक है? गो। बाय बेटा। अरे राधिका, तुम्हें तो किताब पढ़ने ही नहीं आता, तुमने मेरी किताब क्यों उठाई? तो भैया आप मुझे सिखा दो ना पढ़ना लिखना। अरे राधिका, किताब पढ़ने के लिए ना स्कूल जाना पड़ता है, मेरी किताब देखकर वहीं रख देना। बेटा निखिल, तुम उदास क्यों बैठी हो बेटा? अरे टीचर, हमारी मम्मी मेरी बहन को स्कूल नहीं जाने देती, हमारे घर में टिक टिक चलता रहता है दिन भर। हमारी बहन कहती है स्कूल जाऊंगी, मम्मी मना कर देती है। चलो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से तुमको मिलवा कर लाती हूं। चलो। अरे बेटा राधिका, कहाँ जा रही हो? मम्मी मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है, जाने दो ना। अरे बेटा, तुम्हें आज मैं सच बताऊं कि मैं तुम्हें स्कूल क्यों नहीं जाने देती? बताऊं? ठीक है, बताती हूँ। तो बेटा अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। राधिका, मैं जब भी ना टीवी देखने बैठती हूँ ना न्यूज़ लगा के, तो उस पर तुम्हें पता है ना कैसी कैसी खबरें आती है, लड़कियों को गुंडे उठा के ले गए, इसने उसका रेप कर दिया, हाँ, या उस लड़की के साथ भाग गई लड़की। कितनी दिन भर डेली के डेली न्यूज़ आती है, मेरा तो न्यूज़ देख देख के ना दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल के घर से भी बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दे सकती तुम्हें स्कूल, मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बेटी स्कूल जाए तो उसके साथ भी कोई नीच ऊंच नीच हरकत हो जाए, कोई लड़का उसे उठा लेके जाए। हाँ मैं नहीं भेजना चाहती तुम्हें स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकती।
मत जाओ तुम स्कूल, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें स्कूल जाने की। बेटा राधिका, तुम ना लड़की हो और लड़कियों को ना एक एक कदम फूंक कर चलना होता है, वरना उसकी ज़िंदगी तो ना ख़राब हो जाती है। मैं नहीं भेज सकती तुम्हें स्कूल। मम्मी, भगवान ने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया? मम्मी, घर के आगे तो कई लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनके मम्मी पापा तो मना ही नहीं करते, पर आप क्यों करते हो? मम्मी, मुझे भी स्कूल भेजो ना, मैं पढ़ाई भी किया करूँगी और घर के काम भी कराया करूँगी। मम्मी, मैं आपको खूब सारे पैसे कमा कर दूँगी, घर का काम भी करूँगी, मुझे भी स्कूल भेजो ना। बेटा निखिल, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, एक ग्लास पानी ले आओ, मुझे चले आओ। मैंने ला रहा, मम्मी तुम्हें ले आओ। निखिल ले आओ ना पानी एक ग्लास। मम्मी मैंने ला रहा पानी, वानी आप ही चले जाओ लेने। बेटा मेरा सर दर्द कर रहा है, नहीं तो मैं चली जाती, मुझे तुमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। राधिका कहाँ गई? मुझे नहीं पता। ये ले मम्मी पानी। अरे वाह बेटा, राधिका तुम मेरे लिए पानी ले आई, थैंक यू बेटा, थैंक यू, सो जाओ। राधिका बेटा, तुम जाके ना घर के बर्तन साफ कर लो, और निखिल तुम घर में झाड़ू लगा देना, पूरे घर में झाड़ू लगा देना और पोंछा भी लगा देना, ठीक है? मम्मी मैंने लगा रहा, ये राधिका लगाई, लड़का थोड़ी काम करते हैं, मैं नहीं करूँगा। काम नहीं करोगे बेटा? कर दिया करो काम आप। मम्मी लड़का नहीं करते, लड़की करती है। चल ठीक है, मत करो, सही कह रहा है बेटा। वैसे भी तुम लड़के कहाँ घर के काम करते हैं, कहाँ, कौन सी दुनिया में, मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी लड़के घर के काम करते हैं। खैर मैं करवा लेती थी, पर कर दिया करो कभी कभी। अच्छा तो राधिका तुम ना घर के बर्तन साफ करने के बाद झाड़ू पोंछा भी कर देना, ठीक है? जाओ अब हम दोनों। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? मैं निखिल की टीचर हूँ। निखिल की टीचर, चलिए अंदर आइए। राधिका उठो, चलो लेकर जाओ निखिल की टीचर को अंदर, चलो चलिए। और बताइए कैसे आना हुआ? मैंने सुना है निखिल ने कहा है कि आप अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती। राधिका की बात कर रही हैं आप? हाँ, इस राधिका की बात कर रही हूँ, इस बच्ची की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं स्कूल नहीं भेजती क्योंकि राधिका ना लड़की है और लड़कियों को ना स्कूल भेजना कोई अच्छी बात नहीं है, उनको ना घर के काम ही सुबह देते हैं। अरे क्या हुआ, ये आप किस जमाने में जी रही हो? आज का टाइम कितना आगे बढ़ गया है और आप उसी पुरानी सोच में पड़ी हो अभी तक। हाँ सोच बदल दो अपनी, आज हर गांव में हर क्षेत्र में लड़कियां कितनी आगे निकल गई हैं, और आजकल की लड़कियां हर स्कूल में टॉप करती हैं, समझी ना कुछ? देखना, अगर आपने लड़की को स्कूल नहीं भेजा ना तो कल आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, मैं अभी कह देती हूँ, समझी ना? राधिका इधर आ। राधिका अब ना मुझे समझ में आ गया है कि लड़कियों को ना पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। वो तुम्हारी जो टीचर थी ना निखिल की टीचर, उन्होंने सही कहा, आज के टाइम में ना लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और वो अपनी मौसी है ना, मौसी पिंकी मौसी, उनकी जो लड़की है ना उसने ना स्कूल में टॉप किया था, टॉप। मैं तो भूल ही गई थी, कितनी खुशी थे सब लोग, मैं बस तुमसे घर के काम ही कराती थी। अब ना मैं निखिल और तुमको दोनों को एक समान रखूंगी, जो काम निखिल करेगा वो काम तुम भी करोगी, और जो काम तुम करोगी वो काम निखिल भी करेगा, ठीक है? अब मैं कभी भी तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं करूँगी, कोई भी अंतर नहीं करूँगी तुम दोनों में। हाँ मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि माँ बाप हमेशा लड़कों से नौकरी कराते हैं, आज के टाइम में तो लड़कियों से भी नौकरी कराते हैं, तो उनको काम भी बराबर करवाने चाहिए ना। हाँ लड़कों से नौकरी करवा रहे हैं तो लड़कियों से भी करवा रहे हैं, तो लड़कों से भी घर के काम करवाने चाहिए। आज से ना निखिल और तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। अब मैं तुम में ना कभी भी भेदभाव नहीं करूँगी, ठीक है? और तुम स्कूल जाना, मैं तुम्हारा ना आज ही तुम्हारे स्कूल में नाम लिखवा देती हूँ, फिर तुम खूब पढ़ना। और पढ़ लिख कर क्या बनोगी, क्या बनना चाहोगी पढ़ लिख के? पुलिस। पुलिस बनना चाहोगी? वाह कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करूँगी।
हाँ फिर बंदूक चलाओगी हाँ ठिक्यां ठिक्यां हाँ दुश्मनों को मारोगी हाँ दुश्मनों को मारोगी। चलो बेटा अब ड्रेस पहन लो, हम लोग चलते हैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कराने।